हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है गोवन स्टाइल में अरबी के पत्तों की मसाला ग्रेवी, मोटे रवे की खीर चना दाल डाल के, और कच्चे केले का मैंने रवा फ्राई किया है। तो फटाफट से इन रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं, करीबन 12 है। आप लोग चाहो तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। अरबी के पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हमें इस डंठल को अलग कर लेना है। डंठल को अलग करने के बाद हमें इसे अच्छे से साफ कर लेना है, इसे छील लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाथ को तेल लगा के ले रही हूँ। आप लोग चाहो तो कोकम जूस भी हाथ को लगा सकते हो। कोकम जूस या फिर हाथ को तेल लगाने से इसे छीलने के बाद हाथ को बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है। तो अब हमें इन अरबी के पत्ते के जो डंठल है उसे हमें अच्छी तरह से छील लेना है। उसका जो ऊपर का स्किन है ट्रांसपेरेंट, उसे पूरी तरह से निकालना है। अब क्लीन किए हुए डंठल को मैं रख रही हूँ इस पत्तों में, और इसे मैं रोल करके लेने वाली हूँ। इस तरह से रोल करके हम लोग आराम से इन पत्तों को सब्जी को अच्छे से कट कर सकते हैं, और इसे कट करने के बाद हाथ को बिल्कुल भी खुजली नहीं आएगी। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है अरबी के पत्तों को कट करने की। अब इस सब्जी को मैं डाल रही हूँ इस प्रेशर कुकर में इसे पकाने के लिए, और इसे हमें वटाने के साथ में अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप वटाने को सुबह में ही अच्छे से धोने के बाद इसे भिगोने के लिए रख दिया था कम से कम 3 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ कटर के बीज, करीबन 15 है। अगर आप लोगों के पास कटर के बीज है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कटर के बीज को हमें हल्का सा क्रश करना है, इसे छील लेना है और 2 टुकड़ों में भाग करके हमें इसमें कुकर में डाल देना है। बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं बनाने हैं, नहीं तो फिर ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कटर के बीज बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अब इसमें हमें डाल देना है 5 कोकम्स। कोकम्स डालना बहुत ही ज़रूरी है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, और फिर हमें डाल देना है पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितनी सब्जी पकाने के लिए पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी इसमें डाल देना है। इसे पहले मैं अभी मिक्स कर लेती हूँ, और अगर और थोड़ी सी ज़रूरत है तो और इसमें पानी डाल के ले लूँगी। तो और थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ गई है तो मैंने इसमें और थोड़ा पानी डाल दिया है। पूरा 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी यूज़ किया है। अब मैं इसे 3 सीटी आने तक सब्जी को पका के लेने वाली हूँ मीडियम फ्लेम पे। जब तक कि सब्जी पक के तैयार हो जाएगी, दूसरी गैस पे मैं रख रही हूँ पानी गर्म होने के लिए चावल पकाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज नारियल को फोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ आधे नारियल को ही स्क्रैप करके लेने वाली हूँ। 3 सीटी हो गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद करके कुकर को मैं रख रही हूँ साइड में, ताकि इसमें से जो प्रेशर है वो पूरी तरह से रिलीज होने के लिए। उसके बाद ढक्कन खोल के मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सब्जी कितनी पका के ली है। यहाँ पे मैंने आधे नारियल को स्क्रैप कर लिया है, और 1 मीडियम साइज प्याज को मैंने इस तरह से रफली स्लाइसेस में कट करके लिया है। अब स्क्रैप किए हुए नारियल को और प्याज को मैं भून के लेने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और सबसे पहले प्याज को भून के लेने वाली हूँ। तो प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। इस तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हमें इसमें डाल देना है स्क्रैप किया हुआ नारियल। नारियल को भी हमें लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। तो नारियल यहाँ पे भून के अभी तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में, और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें इसमें मसाला डाल के पीस लेना है। यहाँ पे चावल पक के तैयार हो गए हैं, तो इसे मैं अभी स्ट्रेन करके लेने वाली हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कच्चे केले का रवा फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का कच्चा केला लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसका ऊपर का भाग और नीचे का भाग हमें इस तरह से कट करना है। उसके बाद इसका छिलका निकाल देना है। इस तरह से आप लोग कट करके ले सकते हो, या फिर इसे पीलर से भी छिल के ले सकती हूँ। कच्चे केले को हमें स्लाइसेस में कट करना है। आप लोग चाहो तो इस तरह से स्लाइसेस में कट करके ले सकते हो लंबाई में, या फिर राउंड शेप में भी कट कर सकते हो। और याद रखिएगा, इसे हमें मीडियम थिकनेस में ही कट करना है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। अब हमें इसे अच्छे से पानी से धो लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। आप लोग चाहो तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकती हो। यहाँ पे मैंने 1/2 नींबू लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस। आप लोग चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पे
इमली का पानी भी डाल सकती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें और कोई दूसरा मसाला डालना है तो भी ऐड कर सकती हूँ। अब इन मसालों को इस स्लाइसिस के साथ में अच्छे से मिक्स करना है, इसे लगा के लेना है और फिर इसे रख देना है 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग इसे फ्राई करके ले सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने यहाँ पे बारीक रवा लिया है। अभी यह जो स्लाइसेस है मैं इस रवे के साथ में अच्छे से कोट करके लेने वाली हूँ और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। तो तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पे, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है और इस स्लाइसेस को हमें अच्छे से पका लेना है क्रिस्पी और गोल्डन होने तक। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल जितनी ज़रूरत पड़ती है इसे फ्राई करने के लिए, पकाने के लिए उतना हमें डाल देना है। इसे पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका के लेना है। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है और यहाँ पे देखिएगा सब्जी जो है वो अच्छे से पक गई है। इस तरह से हमें सब्जी पका के लेना है। वटाना को भी हमें इस तरह से पकाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने तक वटाना को नहीं पकाना है, वटाना को बिल्कुल भी गलने नहीं देना है। नारियल को जो भून के रखा था पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सर जार में। और अब हमें इसमें डाल देना है हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाला आप लोग अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। कलर के लिए मैंने यहाँ पे 1 सूखी लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप लोग चाहो तो बेड की मिर्च भी ले सकती हूँ। पानी डाल के इसे मैं भी बारीक होने तक पीस के लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मसाला का पेस्ट अभी बन के तैयार हो गया है, तो हम लोग अभी फटाफट से ग्रेवी बना के ले सकते हैं। यहाँ पे जो कच्चे केले की स्लाइस मैंने रख दिए थे पकाने के लिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से हमें बाकी के भी जो स्लाइसेस है उसे हमें पका के लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, लेकिन ये जो स्लाइसेस है कच्चे केले का रवा फ्राई बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। अरबी के पत्तों की ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो करीबन मैंने 5 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 लहसुन की कलियाँ, उसे मैंने क्रश करके ली है, और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है। प्याज और लहसुन को हमें थोड़ा सा भून लेना है, सॉटे कर लेना है, तब तक जब तक कि प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसमें हमें डाल देना है मसाला का पेस्ट, और सबसे पहले अभी मैं मसाला का पेस्ट को पहले अच्छे से पका के लेने वाली हूँ करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी। सब्जी डालने के बाद पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ही इसमें डाल देना है पानी। तो ये जो ग्रेवी है हमें थोड़ी सी थीक ही रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, इस तरह से मैंने इसे थीक रख दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितना शक्कर, आप लोग चाहो तो इसके जगह पर गुड़ भी ले सकती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, याद रखिएगा सब्जी को पकाने के वक्त भी नमक डाल दिया था। तो अब इसे मिक्स करके हमें इसे पका लेना है 5 से 7 मिनट के लिए, और बीच में हमें इसे 2-3 बार मिक्स करना है। यहाँ पे अभी करीबन 7 मिनट हो गए हैं और ये जो मसाला ग्रेवी है अच्छे से पक के तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग चाहो तो इसे पके हुए चावल के साथ में सर्व कर सकते हो या फिर पूरी के साथ में भी सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग भी अरबी के पत्ते के मसाला ग्रेवी से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप सभी को पसंद आएगी। अभी मैं इसे रख रही हूँ साइड में, और खीर बनाने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है फ्राइंग पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना घी। सबसे पहले मैं भी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने किशमिश लिए हैं और थोड़े से काजू, आप लोग चाहो तो बादाम भी ले सकते हो। तो यहाँ पर किशमिश और काजू को मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं, गोल्डन हो गए हैं, तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ प्लेट में। अब हमें रोस्ट करके लेना है मोटा रवा, जाड़ा रवा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मोटा रवा लिया है, आजकल ये थोड़े से छोटे साइज़ में आ रहे हैं। तो इसे हमें भून लेना है। अगर इसमें और थोड़े से घी की ज़रूरत है तो आप लोग घी भी डाल के ले सकते हो। यहाँ पे अभी रवा जो है अच्छे से भून गया है, कलर बहुत ही बढ़िया आया है और बहुत ही बढ़िया सुगंध आना स्टार्ट हो गई है। इसे मैं अभी निकाल रही हूँ प्लेट में। और अब हमें चना दाल को पका के लेना है। तो कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ पानी। चना दाल पकाने के लिए जितनी पानी की ज़रूरत होती है उतना ही हमें पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चना दाल को अच्छे से धोने के बाद 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। आप लोग चाहो तो इसे रात भर भी भिगो के ले सकते हो। इसमें मैं भी डाल रही हूँ चुटकी भर नमक और इसे मिक्स करके ले रही हूँ।
इसे अब हमें धीमी आंच पे ढक के पका लेना है, तब तक जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। बीच में से एक दो बार मिक्स करना है। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल का दूध, तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज नारियल को स्क्रैप करके लिया है। अब इस स्क्रैप किए हुए नारियल को मैं डाल रही हूँ इस मिक्सर जार में। यहाँ पे मैंने 4 हरी इलायची ली है, ये भी इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम पानी लिया है और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। इसे अब हमें दरदरा पीस लेना है, बहुत बारीक पीस नहीं बनाना है। तो पीसे हुए नारियल को मैं भी इस छलनी में डाल के इसे अच्छे से निचोड़ के लेने वाली हूँ। और ये जो अभी पहला एक्सट्रैक्ट होगा, ये होगा ठीक कोकोनट मिल्क यानी कि गाढ़ा नारियल का दूध। तो अभी जो पल्प आके इसमें मैं डाल रही हूँ और 1 गिलास भर पानी, और इसे मिक्स करके इसका मैं अभी पतला वाला नारियल का दूध निचोड़ के लेने वाली हूँ। और ये जो पतला वाला नारियल का दूध होगा, ये मैं यूज़ करूँगी सूजी अच्छे से पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पतला नारियल का दूध ले लिया है इस बोल में, और इस बोल में है गाढ़ा नारियल का दूध। अब एक बार चेक कर लेती हूँ चना दाल पका है या फिर नहीं। तो चना दाल यहाँ पे पक गया है, और इस तरह से हम लोग उंगली से भी दबा के चेक करके देख सकते हैं। तो चना दाल अच्छे से पक के तैयार है, सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पतला नारियल का दूध, साथ ही में हमें इसमें डाल देना है रोस्ट किया हुआ मोटा रवा। और अब हमें इसे रवे को अच्छे से पका लेना है। तो गैस की फ्लेम को मैंने धीमा ही रखा है और इसे मैं ढक के पकाने वाली हूँ। बीच में हमें इसे 2-3 बार मिक्स करना है। रवे को देखिएगा पकने के बाद इस तरह से अच्छे से फूल गए हैं और ये अभी गाढ़ा भी हो गया है। मैं अभी इसमें डाल रही हूँ शक्कर, तो 1/3 कप मैंने शक्कर ली है। आप लोग चाहो तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। आप लोगों को अगर शक्कर की जगह पे गुड़ डालनी है तो गुड़ भी आप लोग डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अभी गाढ़ा नारियल का दूध डाला है, और साथ में मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। याद रखिएगा, अगर आप लोग गुड़ डालना चाहते हो तो गाढ़ा नारियल का दूध डालने से पहले गुड़ को पहले अच्छे से पिघला के लीजिएगा, मेल्ट कीजिएगा, उसके बाद ही गाढ़ा दूध डालना है। अब हमें इस खीर को पका लेना है। तो यहाँ पे जो खीर है मोटे रवे का, जो सोजी है, यह अभी बनके तैयार है, बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई है। और अगर आप लोगों को खीर इससे गाढ़ी बनानी है तो इसे और ज़्यादा पका के ले सकते हो, या फिर जो नारियल का दूध है वो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग भी खीर बनाइएगा, आप सभी को पसंद आएगी। आज का जो खाना है मेरा बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरे रेसिपीज पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, बाय बाय।